And now I'm doing a Marathi project and two more Hindi. So this. Sir, मेरा इसमें पूरा नाम है कपिल गोरे, एक मराठी मानूस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय महाराष्ट्र. सो ये कपिल ऐसा बंदा है, पूरा आर्टिस्टिक बंदा है, इसका शौक है म्यूजिक. बट समवेयर ये ऐसा बंदा है जो पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है और फिर अपनी. सो ही इज लाइक दैट, कह सकते हैं. मतलब firstly he thinks about others and then himself. अच्छा, अभी आपने कहा कि आप इस फिल्म में एक म्यूजिक लवर का किरदार निभा रहे हैं. यस. इस फिल्म का ड्रीम जॉब की म्यूजिक के बारे में कुछ रोशनी आती है. सर, कैची सॉन्ग्स हैं, बिल्कुल नए जनरेशन, एंड म्यूजिक गोज विद द फिल्म. मतलब जैसे फिल्म का फ्लो स्मूथ है, वैसे ही म्यूजिक स्मूथ है. मतलब एक दो सॉन्ग्स है तो बहुत कैची है, आई लाइक दम. Yes, sir. आपको क्या लगता है ड्रीम जॉब कितना फुलफिल करेगा और इसके रिक्वायरमेंट आप लोग के सामने प्रोड्यूसर के सामने? सो आई गेस इट विल, आई थिंक, एंड भगवान से यही दुआ करता हूँ कि 100 करोड़ क्लब में चली जाए. थैंक यू सो मच. जी जी आप रेडी? मिस्टर जुबेर खान जी, आप चैनल वी के जरिए तो आप साढ़ा हक से ऑलरेडी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं. थैंक यू. और जी टी वी के कुमकुम भाग्य में तो सीरियल के जरिए भी आप काफ़ी नोन हैं. थैंक यू. इस फिल्म में आप क्या किरदार निभा? सर, एक्चुअली आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ मिस्टर मुकेश महाजन, एंड दिस गाय इज़ वेरी एम्बिशियस एंड दिस गाय इज़ वेरी फोकस्ड. जो बैंक में जॉब करने आता है एज अ रीजनल मैनेजर, एंड व्हेन ही जॉब्स ही फेल इन लव विथ दिस गर्ल, जो कॉलेज से ही इनका दे आर लव बर्ड्स. एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली स्टोरी रिवॉल्व होती है, दैट कैसे वो लड़की से प्यार करने के लिए जॉब करता है एंड हार्ट ब्रेकन एंड ऑल दैट स्टफ. ही देन गोज़ टू यूके एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो आगे आप फिल्म में देखने को मिलेगा, मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ. लेकिन या वेरी एम्बिशियस गाय एंड वेरी फोकस्ड, जो भी करता है दिल से करता है, काम के लिए करता है अपने, और लॉयल है हर चीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए एंड अपने बॉस के साथ. हमने सुना है कि आपने कोई कॉम्पिटिशन भी जीती है 2 साल पहले. जी, मैं मिस्टर इंडिया 2012 वर्ल्ड वाइड रह चुका हूँ. मैंने अपनी एक्चुअली शुरुआत मॉडलिंग से की थी. बेसिकली आई हेल फ्रॉम भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल. मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी मॉडलिंग, और मॉडलिंग के साथ साथ मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था. तो मैं एम एन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग की, और फिर मैंने वो डिग्री अपनी मॉम डैड को गिफ्ट करी, बोला कि नाउ लेट मी कंप्लीट माय ड्रीम्स एज टू मेक टू डू माय ड्रीम जॉब इन बॉलीवुड. तो आई वेंट देयर, फिर मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया. अनफॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस, अल्लाह के शुक्र से मैं जीता उसे एंड मिस्टर इंडिया 2012 बना. एंड देन फिर थिएटर्स, देन सीरियल्स, देन एड्स. अभी भी मेरी कल फिल्म रिलीज हुई है एक, लेकर हम दीवाना दिल, सैफ अली खान प्रोडक्शंस की. इसमें आई प्लेड समीज कैरेक्टर सेकंड लीड, द फियांसे ऑफ द फीमेल लीड. और अभी भी ऑन एयर हैं गार्नियर एड्स एंड मेनी एड्स आई इंडोर्स. दैट्स इट. ये मेरी जर्नी रही है सो फार अभी तक. तो क्या होप करते हैं आप इस फिल्म द ड्रीम जॉब से? सर, आई थॉट के पहले तो नेम ही डिफाइन कर देता है. ड्रीम जॉब इज रिलेटेड टू माई ड्रीम, एंड ड्रीम जॉब इज द जॉब विच आई एम करेंटली डूइंग. मैं हमेशा से, मैं 16 साल का था तब मैंने अपना डिसाइड कर लिया था वॉट आई वॉन्ट टू बी इन माई लाइफ. सो मुझे एक्टर ही बनना था, एंड मॉडलिंग एंड ऑल दिस स्टफ.